हेलो एवरीवन माय नेम इज़ पवन गर्ग और आई एम द फिजिक्स फैकल्टी एट रेजोनेंस कोटा एंड आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं नीट फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ़ द चैप्टर सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ठीक है थीके? तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन है बॉल ऑफ मास जीरो पॉइंट इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट टेन मीटर स्ट्राइक्स द ग्राउंड एंड रीबाउंड सेम हाइट द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल ठीक है अब देखो इसमें एक लाइन लिख रही है ठीक है स्ट्राइक्स द ग्राउंड एंड the सेम हाइट ठीक है सेम हाइट तक रिबाउंड कर रहा है इसका मतलब यह हुआ कि जब वो स्ट्राइक कर रहा है ग्राउंड को तो उसकी कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही है ठीक है तो उस केस में अगर हम यहां पर ग्राउंड बनाते हैं सपोज करो कि मैंने यहां से एक बॉल को ड्रॉप किया और वो बॉल इस जगह तक पहुंचते पहुंचते ड्रॉप किया मतलब कि इनिशियल मतलब कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा और एनर्जी लॉस नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये जब ये यह यहां से रिबाउंड करेगी तब उसकी स्पीड वापस से कितनी होगी बी ठीक है अब बात यह है कि आ, हमें निकालना क्या है हमें निकालना है द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इंपार्टेड टू द बॉल ठीक है ये ग्राउंड जो है बोल पर कितना इंपल्स इंपार्ट करेगा ये हमें फाइंड आउट करना है ठीक है अब इम्पल्स क्या होता है तो इम्पल्स को अगर मैं आई से बताऊं तो इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम यानी डेल्टा पी डेल्टा पी मतलब हो गया पी फाइनल वेक्टर यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस पी इनिशियल वेक्टर इनिशियल मोमेंटम अब मोमेंटम क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी मास मुझे दे रखा है जीरो पॉइंट फाइव वन फाइव के जी ठीक है और वेलोसिटी में कैसे निकालूंगा तो हमें पता है कि जब भी हम किसी चीज को ड्रॉप करते हैं ठीक है थीके? तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच लगाएंगे यू की वैल्यू जीरो है तो इससे वी की वैल्यू कितनी आती है हमें रूट टू जी एच वी की वैल्यू आती है रूट टू जी एच ठीक है तो हम यहां पर वी निकाल लेते हैं तो अंडर रूड टू जी की वैल्यू टेन ले लेते हैं एंड टू एच एच कितनी हाइट से ड्रॉप किया है टेंस से तो जाएगा टेन इंटू टेन इंटू टू टेन इंटू टेन को वैल्यून पॉइंट तो ये नियरली फोर्टीन लिख सकते हैं अपन ठीक है तो अगर मैं आ, v की वैल्यू रूट फोर्टीन रखूँ, अब यहां पर मैं p माइनस p इनिशियल रखते हैं मोमेंटम क्या होता है मास इंटू वैल्यू मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी है मास की वैल्यू अगर मैं रखू पहले एब रख लेते हैं वी होगा डिनोट कर सकते हैं तो ये हो जाएगा वी कैप माइनस पी इनिशियल पी इनिशियल होगा मोमेंटम इनिशियल तो मास इंटू वेलोसिटी और वेलोसिटी की नीचे की तरफ नीचे की तरफ अगर ऊपर प्लस जेके तो नीचे की तरफ क्या लेना होगा माइनस जे केफ तो जाएगा एम वी एन टू माइनस जेकेफ तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये माइनस एन टू माइनस प्लस हो जाएगा यानी हो जाएगा एम वी जेके प्लस एम वी जेकेफ तो हम इसको लिख सकते हैं टू एम वी जेकेफ तो ये इंपल्स वेक्टर की वैल्यू हो गई ठीक है मुझे मैग्नीट्यूड से मतलब यहां पर सारी चीजें मैग्नीट्यूड दे रखी तो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में अपने पास आ जाएगा टू एम वी टू एम वी में वैल्यू डाल देते टू इंटू मास मास कितना है जीरो पॉइंट वन फाइव के जी मल्टीप्लाइड बाई स्पीड स्पीड कितनी है फोर्टीन तो अगर मैं टू इंटू जीरो पॉइंट फाइव फोर्टीन ठीक है इसको सोल्व करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा फोर्टीन टू 28 ट्वेंटी एट है ना और ये फिफ्टीन बाय हंड्रेड तो ये अपने पास आ जाएगा ट्वेंटी एट इंटू फिफ्टीन बाई हंड्रेड ठीक है तो ये अपने पास आएगा फोर पॉइंट टू फोर पॉइंट टू के जी मीटर पर सेकेंड यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्लियर है इसको नोट डाउन कर लें आगे बढ़ते क्वेश्चन है थ्री आइडेंटिकल ईच ऑफ मास एम आर एट द कॉर्नर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल विद म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड इक्वल टू टू मीटर तो ये टू मीटर की साइड से यहां पर तीन मास रखे हुए हैं ठीक है थ्री आइडेंटिकल स्पीय है ठीक है एक एम यहां रखा, रखा हुआ है एक यहां पर और एक एम यहां रखा हुआ है ठीक है टेकिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एज द ओरिजन यानी हमने इसको ओरिजन माना है जीरो को जीरो फाइंड द पोजिशन वैक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि भाई यहाँ पर x और y डायरेक्शन है तो z कोऑर्डिनेट हमें लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है z कोऑर्डिनेट जीरो ही रहेगा अब x और y वाई डायरेक्शन में हम ये जो मास है इनके कॉर्डिनेट्स लिख देते हैं तो x डायरेक्शन में टू मीटर ये चल रहा है ठीक है ये वाला मास तो इसको हम लिख सकते हैं टू कोमा जीरो क्योंकि एक्स डायरेक्शन में ये टू मीटर चला ठीक है यानी टू मीटर डिस्टेंस पर ये अवेलेबल है तो टू कोऑर्डिनेट हो गया और वाई डायरेक्शन में ये जीरो मीटर पर अवेलेबल है यानी कि ये एक्सिस पर ही अवेलेबल है तो इसका किबल कोऑर्डिनेट कितना होगा जीरो सिमिलरली वाई एक्सिस पर बात करें अपन ठीक है तो वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा और वाई कोऑर्डिनेट टू हो जाएगा तो जीरो कोमा टू इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा अब अपन को आ,

सिमिलरली वाई सी एम क्या हो जाएगा एम वन बाई वन प्लस एम टू बाई टू प्लस एम थ्री बाई थ्री अपन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री तो इसमें वैल्यू डाल देते हैं ठीक है एम वन एक्स वन ठीक है किसी भी एक को फर्स्ट मास ले लो तो इसको ले लिया मान लो अपन ने ये फर्स्ट मास ले लेते हैं ये सेकेंड ले लेते हैं और ये थर्ड मास ले लेते हैं तो एम वन एक्स वन हो जाएगा एम इन टू जीरो प्लस सेकेंड मास भी एम इन टू एक्स कोर्डिनेट कितना है जीरो इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है ठीक है प्लस और इसका एक्स कोऑर्डिनेटेड टू यानी एम इन टू डिवाइडेड बाई टोटल मास यानी एम प्लस एम प्लस एम तो मैं डायरेक्ट लिख दू थ्री एम क्लियर है इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा टू बाई थ्री ठीक है ये तो जीरो हो जाएगा टू एम बाई थ्री एम तो टू बाई थ्री और किस में दे रखा है आपको ये सारी चीजें अगर मैं देखूं मीटर में ठीक है तो टू बाई थ्री मीटर यह एक्ससीएम आ गया अगर मैं इसी तरह से वाई सी एम निकालना चाहता हूं तो YCM क्या हो जाएगा टोटल मास वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री तो अगर मैं एम वन वाई वन की बात करूं तो वाई कोऑर्डिनेट इसका कितना है टू तो ये हो जाएगा एम इन टू और बाकी दोनों के वाई कोऑर्डिनेट इसका भी जीरो है और इसका भी जीरो प्लस एम एन टू जीरो होल अपॉन टोटल मास प्लस एम प्लस एम दट इज थ्री एम तो अगर मैं इससे भी देखूं तो ये अपने पास आएगा टू बाई थ्री इन मीटर टू बाई थ्री मीटर में अगर मैं इसको ले रहा हूं ठीक है तो इस केस में टू बाई थ्री मीटर और टू बाई थ्री मीटर इसका एक्सीएम और वाई हो गया तो अगर मैं इसका पोजिशन कोऑर्डिनेट लिखना चाहता हूँ तो वो कितना हो जाएगा आर वैक्टर इक्वल टू एक्ससीएम आई कैप प्लस वाई सी एम जे के तो एक्सीएम और वाई सी एम दोनों में टू बाई थ्री कॉमन आ जाएगा तो टू बाई थ्री और एक्ससीएम आई कैप तो आई कैप प्लस जे कैप टू बाई थ्री दोनों में से कॉमन ले लिया तो यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर नोट कर ले थर्ड क्वेश्चन है टू पार्टिकल ऑफ मास फाइव के जी एंड टेन के जी रेस्पेक्टिवली आर अटैच टू द टू एंड ऑफ रिजिट रोड ऑफ लेंथ वन मीटर ठीक है तो अगर मैं फाइव के जी को यहां पर बना देता हूं और टेन के जी को यहां बना देते हैं वन मीटर लॉन्ग रोड है तो ये सपोज रोड हो गई विद नेग्लिजिबल मास इस रोड का कोई मास कंसिडर नहीं करना द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम फाइव के जी पार्टिकल इज नियरली एट अ डिस्टेंस तो फिर से मुझे सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी फ्रॉम द फाइव के जी तो फ्रॉम द फाइव के जी यानी मैं इसी को ओरिजिन मान लेता हूँ जीरो कोमा जीरो ठीक है हालांकि मुझे इसमें ना वाई डायरेक्शन में जाना है ना जेड डायरेक्शन में जाना है केवल एक्स डायरेक्शन में जाना है ठीक है क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो हो जाएगा और जेड कोऑर्डिनेट भी जीरो होगा यानी वाई सी एम और जेड सी एम जीरो होगा यानी मुझे कुल मिला के एक्स सी एम फाइंड आउट करना है

तो मैं इस केस में xcm की वैल्यू कैसे निकालूंगा वही अभी लगाया था फॉर्मूलाइड बाई एक्स टू ये एक्स कोडिनेट वन होल डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू यानी फाइव प्लस टेन तो ये तो जीरो से मल्टीप्लाई होकर बचेगा टेन और नीचे बचेगा फिफ्टीन तो इस केस में अगर मैं बात करूं तो टेन अपॉन फिफ्टीन टेन अपॉन फिफ्टीन करोगे तो ये फाइव से कट जाएगा यानी कि टू बाई थ्री पर ये मीटर में आ रहा है ठीक है मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो ये जाएगा टू बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड यानी टू हंड्रेड बाई थ्री ठीक है तो टू हंड्रेड बाई थ्री करोगे तो ये आएगा सिक्सटी नियरली ठीक है एक्चुअली सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन सिक्सटी सेवन पॉइंट सिक्स सिक्स इस तरह से सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स आएगा ठीक है तो आप नियरली इसको सिक्सटी सेवन लिख सकते हैं सिक्सटी सेवन सेंटीमीटर तो सिक्सटी सेवन सेंटीमीटर ये सेकेंड वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है पार्टिकल ऑफ मास फोर एम एट रेस्ट सडनली ब्रेक्स ऑन इट्स ओन इन टू थ्री फ्रेगमेंट्स टू फ्रेगमेंट मास म्यूचुअली पर पेंडिकुलर डॉक्टर अगर मैं इस केस में देखू तो एक फाइव एम का मास सपोज में सेंटर पे मान लेते हैं इसके ओरिजन पे इसके तीन टुकड़े होते हैं ठीक है टू फ्रेगमेंट ऑफ मास एम ईच मूव अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी एम मास सपोज वी स्पीड से इधर की तरफ जा रहा है और अगला एम मास जो है वो सपोज वी स्पीड से ऊपर की तरफ आ रहा है ठीक है तो फाइव एम में से एक मास एम इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है तो बचा कितना ठीक है तो फाइव एम माइनस टू एम यानी थ्री एम मास जो है वो बचेगा अच्छा अगर हम देखें तो इसका मोमेंटम इधर की तरफ आएगा और इसका मोमेंटम ऊपर की तरफ आएगा ठीक है तो इन दोनों का रिजल्ट आएगा अच्छा नेट मोमेंटम जीरो होना चाहिए क्योंकि इनिशियली फाइव एम रेस पर है ठीक है मोमेंटम कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू तो फाइनल मोमेंटम होता है बाहर से तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है इसके ऊपर ठीक है ये तो इंटरनल फोर्सेस के कारण ब्रेक हो रहा है तो इस केस में इसका इनिशियल मोमेंटम जीरो यानी फाइनल भी जीरो होना चाहिए अब फाइनल जीरो है ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है तो इन दोनों का रिजल्ट इधर आएगा तो उसको कैंसिल करने के लिए सोचे तो थ्री एम वाला किधर जाएगा बीच में ही अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा ठीक है पर मुझे नहीं पता कि भाई कितने एंगल पर जाएगा और कितनी डायरेक्शन में जाएगा तो मैं तो उसको वी डैश मान लेता हूं तो वी डैश स्पीड से इधर की तरफ कहीं जा रहा है ठीक है तो अब हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देते हैं तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के हम वीडेस की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अब एनर्जी रिलीज का मतलब क्या है तो ये फाइव एम वाला जो रेस्ट पर था ठीक है उसमें एक्सप्लोजन हुआ और एक्सप्लोजन के कारण जो एनर्जी है वो इन तीनों टुकड़ों को मिल गई यानी जो तीनों पार्ट्स हैं इसके उनको कुछ ना कुछ एनर्जी मिली है आपको टोटल एनर्जी रिलीज निकालनी है यानी मुझे इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है अब इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी तो मैं सीधा भी निकाल सकता था हाफ एमजी स्क्वायर और हाफ एमजी स्क् लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी के लिए मुझे डैश चाहिए अब डैश फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया तो अगर मैं इस पॉइंट पर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाता हूं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन तो उस केस में इसका जो मोमेंटम होगा अगर मैं इनिशियल मोमेंटम की बात करूं तो ये रेस्ट पर है रेस्ट पर है तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा जीरो फाइनल मोमेंटम की बात करूं तो एम मास वाला वी वेलोसिटी से जा रहा है तो एम इन वी इसकी मोमेंटम की बात करें तो ये हो जाएगा एम इन टू वी अच्छा ये वाला एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो हम आई केफ लगा देते हैं ये वाला जे डायरेक्शन डायरेक्शन में जा रहा है तो एम वी जे का मोमेंटम मुझे नहीं पता तो मैं 3M into v वेक्टर लगा देता हूं तो प्लस थ्री एम इंटू वी डैश वैक्टर ठीक है अब वैक्टर फॉर्म में अपने आप जिधर भी जाना होगा वो आ जाएगा तो अगर मैं इसको सोल्व करूं एम एम तो कॉमन आके शहीद हो जाएंगे तो बचा वी डैश तो वी डैश बराबर कितना हो जाएगा तो माइनस का v बाय थ्री आई कैप और माइनस का v बाय थ्री जे कैप ये डैश वैक्टर की वैल्यू आ जाएगी क्लियर है अच्छा अब अगर मैं बात करूं कि मुझे तो एनर्जी चाहिए अच्छा ये तो वेक्टर फॉर्म में आया अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं i कैप के मल्टीप्लायर का स्क्वायर किसी भी कोई भी वेक्टर है i कैप j कैप में दिया तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं i कैप के मल्टीप्लायर का स्क्वायर प्लस j कैप के मल्टीप्लायर का स्क्वायर होल अंडर रूट तो i कैप का मल्टीप्लायर है -v/3 का होल स्क्वायर प्लस -v/3 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट तो अगर मैं -v/3 का स्क्वायर करूंगा तो प्लस आ जाएगा ठीक है माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया वी बाई थ्री इसमें से कॉमन ले लू वी बाई थ्री का स्क्वायर बाहर आएगा तो वी बाई थ्री बच जाएगा अंदर बचेगा वन प्लस वन यानी रूट टू ठीक है वन प्लस वन टू उसका अंडर लेंगे तो रूट टू यानी अपने पास हो जाएगा रूट टू इंटू वी बाई थ्री रूट टू इंटू वी बाई थ्री इसका मैग्नीट्यूड हो गया आपको पूछा है टोटल एनर्जी रिलीज तो एनर्जी रिलीज्ड इक्वल टू तो सभी की एनर्जी रिलीज निकाल लेते हैं ठीक है एम मास के लिए हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर इसके लिए भी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है ठीक है डायरेक्शन की चिंता करने की जरूरत नहीं हाफ एम इंटू स्पीड का स्क्वायर रखना है प्लस हाफ इंटू इसका मास कितना है थ्री एम इन वी v कितना है v का में निकाल चुका हूं। मुझे स्पीड से मतलब था रूट टू इंटू वी बाई थ्री का होल स्क्वायर इसको सोल्व कर लेते हैं ठीक है तो ये अपने पास रूट टू का स्क्वायर तो टू हो जाएगा ठीक है ये कट जाएगा तो थ्री एम वी स्क्वायर अच्छा एक थ्री और बचाएगा तो एम वी स्क्वायर बाई थ्री आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर और हाफ एम वी स्क्वायर कितना हो जाएगा एम वी स्क्वायर ठीक है तो यानी कि आ जाएगा एम वी स्क्वायर इन दोनों को जोड़ दिया मैंने हाफ और हाफ वन हो गया और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना जाएगा एम वी इसका रूट टू का स्क्वायर टू ये इससे कट गया एक थ्री का स्क्वायर से एक थ्री कट गया ठीक है तो एम वी स्क्वायर बाई थ्री थ्री प्लस वन फोर यानी कि अपने पास आ जाएगा एलसी सॉल्व करेंगे फोर बाई थ्री एम वी स्क्वायर फोर बाई थ्री एम स्क्वायर यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ की बात करें बॉडी ए ऑफ मास फोर एम मूविंग विद स्पीड यू कोलाइड्स बॉडी बी ऑफ मास टू एम रेस द कोलिजन इज हेड ऑन एंड इलास्टिक इन नेचर आफ्टर द कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस बाय द कोलाइडिंग बॉडी ए ठीक है तो अब हम इस केस को देखते हैं सबसे पहले क्या कह रहा है उसको बनाते हैं फट बॉडी ए ऑफ मास फोर एम तो फोर एम मास की बॉडी ए है जो स्पीड यू से जा रही है ये कोलाइड करती है दूसरी बॉडी जिसका मास टू है और जो कि रेस्ट पर है यानी अगर मैं यू वन की वैल्यू यू के बराबर लिखूं, तो यू टू बराबर जीरो है कोलिजन इज हेड ऑन एंड इलास्टिक इन नेचर इलास्टिक नेचर यानी ई की वैल्यू वन होगी आफ्टर कोलिजन फोर एम वन जो मास है वो सपोज करो कि v1 स्पीड से जा रहा है 2m जो मास है वो v2 से जा रहा है ठीक है इस v1 को हम वी ए भी बोल सकते हैं A वाले पार्टिकल की फाइनल स्पीड और इसको हम वी बी भी बोल सकते हैं B वाले पार्टिकल की फाइनल स्पीड पूछा क्या इसने फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय कोलाइडिंग बॉडी ए यानी ए ने कितनी एनर्जी लॉस की उसका फ्रैक्शन फ्रैक्शन ठीक है तो यानी कि अगर मान लो ध्यान से सोचना फ्रैक्शन का मतलब है कि एनर्जी लॉस्ट अपॉन टोटल एनर्जी ऑफ ए एनर्जी लॉस्ट अपॉन टोटल एनर्जी ऑफ ए अब इसको हम एक एग्जाम्पल से सोचते हैं कि सपोज करो कि इसके पास टेन जूल एनर्जी थी इसके पास तो कुछ एनर्जी थी नहीं जीरो है ठीक हाफ एम इंटू यू स्क्वायर लगाओगे यू की वैल्यू यहां कितनी है जीरो ठीक है तो यानी इसके पास तो कोई एनर्जी है ही नहीं तो इसके पास मान लो टेन जूल एनर्जी थी और बाद में इसके पास फोर जूल और इस पर सिक्स जूल हो गई तो ए वाली बॉडी के पास पहले टेन जूल थी अब फोर जूल हुई तो एनर्जी लॉस कितनी हुई सिक्स जूल टेन माइनस फोर और वो सिक्स जूल किसके पास है बी वाली बॉडी के पास तो यानी एनर्जी लॉस्ट ऑफ ए इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ बी फाइनल एनर्जी ऑफ बी क्लियर एनर्जी लॉस्ट ऑफ ए इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी ऑफ बी ठीक अब फाइनल एनर्जी ऑफ बी जो है वो हाफ एम इंटू वी का स्क्वायर देखिए हाफ एन टू एम इंटू वीबी का स्क्वायर आएगा तो उसके लिए मुझे वी तो चाहिए तो पहले मैं भी निकाल लेता हूं तो भी की वैल्यू यानी वी टू की वैल्यू कितनी आएगी तो जब भी कोलिजन होता है ऑन कोलिजन होता है तो हम एक बेसिक फॉर्मूला यूज करते हैं जो हर तरह के ऑन कोलिजन में लग सकता है फाइनल स्पीड निकालने के लिए तो फाइनल स्पीड मुझे वी टू निकालना है तो जाएगा टोटल इनिशियल मोमेंटम यानी एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू प्लस अब वी टू निकालना है तो एम वन इंटू ई माइनस यू टू होल अपॉन टोटल मास यानी एम वन प्लस एम टू इसी तरह अगर मुझे वी वन निकालना होता तो एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू प्लस यहां पर आ जाता है एम टू ई यू टू माइनस यू वन अपॉन एम वन प्लस एम टू अब अगर मैं इससे वैल्यू निकालू वी बी की तो वी बी इज इक्वल टू हो जाएगा एम वन यानी फोर एम यू वन यानी यू प्लस एम टू यू टू यू टू तो जीरो हो गया प्लस एम वन इंटू ई एम वन हो जाएगा फोर एम ई की वैल्यू वन यू वन माइनस यू टू यानी यू माइनस जीरो होल अपॉन टोटल मास फोर एम प्लस टू एम यानी सिक्स एम अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा फोर एम यू प्लस फोर एम यू यानी एट एम यू अपॉन सिक्स एम एट एम यू अपॉन सिक्स एम ठीक है तो इस केस में इसको हम थ्री टाइम और इसको फोर टाइम कर सकते हैं तो ये जाएगा एम से एम कट गया फोर यू बाई थ्री सॉरी फोर यू बाई थ्री फोर यू बाई थ्री वी टू की वैल्यू आ गई ठीक है अब आ, मेरे को क्या निकालना था फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय कोलाइडिंग बॉडी ए ए की ए ने कितनी फ्रैक्शन एनर्जी लॉस की तो फ्रैक्शन एनर्जी लॉस्ट बाय ए तो जैसा मैंने समझाया कि इसके पास टेन झूल थी इसके पास जीरो थी लास्ट में फोर और सिक्स आ गई ठीक है तो एनर्जी लॉस्ट बाय ए एनर्जी लॉस्ट बाय ए वो कितनी होगी एग्जाम्पल के तौर पे टेन माइनस फोर दैट इज सिक्स और वो सिक्स किसके पास है इस टू एम यानी बी वाले बॉडी के पास तो बी वाली बॉडी के पास जो फाइनल एनर्जी होगी वही एनर्जी लॉस्ट बाय ए होगी यानी फाइनल एनर्जी ऑफ ए सॉरी बी अब फाइनल एनर्जी ऑफ बी कितनी हो जाएगी हाफ एम वी बी स्क्वायर एम कितना है इसका टू इन टू की वैल्यू कितनी निकाली थी फोर यू बाई थ्री का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा कितना सिक्सटीन बाई नाइन एमयू स्क्वायर सिक्सटीन बाई नाइन एमयू स्क्वायर यह एनर्जी लोस्ट बाई ए हो गए ठीक है अब फ्रैक्शन निकालना है तो टोटल इनिशियल एनर्जी तो इनिशियल एनर्जी ऑफ ए ये हो जाएगी हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर हाफ इंटू फोर एम इन यू स्क्वायर तो हो जाएगा टू एम यू स्क्वायर अब मुझे निकालना है फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट तो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट कितना हो जाएगा एनर्जी लॉस्ट अपॉन टोटल इनिशियल एनर्जी एनर्जी लॉस्ट कितनी है 16/9 एम यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल इनिशियल एनर्जी कितनी है 2 एम यू स्क्वायर ये सॉल्व करेंगे एम यू स्क्वायर कट जाएगा 16/9/2 तो ये 2 से कट जाएगा यानी 8/9 8/9 ये हमारा फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट आ जाएगा यानी थर्ड ऑप्शन दियार? तो हमने क्या किया इसको एक बार फिर से देख लें। ठीक है। हमने कहा कि भाई से तो उसके फोर एम रहा था फ्रैक्शन एनर्जी लॉस्ट तो फ्रैक्शन एनर्जी लॉस्ट बाई ए, ए की एनर्जी कितनी लॉस हुई तो ए के पास मान लो टेन जूल थी उसमें से फोर जूल ए के पास बाद में बची तो एनर्जी लॉस्ट हुआ टेन माइनस फोर पर किसके पास है बी के पास तो बी के पास सिक्स एनर्जी आई तो बी की एनर्जी निकाल ली मैंने डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी ऑफ ए निकाला ठीक है मुझे वी बी निकालना था वी बी निकालने के लिए मैंने बी टू की वैल्यू निकाली उसका फॉर्मूले मैं वैल्यू पुट करी तो यह आया फोर यू बाई थ्री इसको मैंने यहां हाफ एम वीबी स्क्वायर में रख दिया इससे 16 by 9 square, इतनी हुई A के तो मुझे निकालना था फ्रैक्शन एनर्जी टोटल इनिशियल एनर्जी केवल ए के पास हाफ एम इंटू यू स्क्वायर तो हाफ इंटू फोर एम इंटू स्पीड यू स्क्वायर तो टू एम यू स्क्वायर टोटल एनर्जी आ गई डिवाइड किया तो एट बाय नाइन फ्रैक्शन आ गया ठीक है तो थर्ड हमारा आंसर हो गया क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स A moving block having mass m collides with another stationary block having mass 4m. The lighter block comes to rest after collision when the initial velocity of the lighter block is v. Then value of coefficient of restitution ठीक है तो एक moving block बना लेते हैं अपन m ये दूसरे से टकरा रहा है जो तो heavier वाला 4m है आपको lighter block की speed v दे रखी है यानी m की speed v दे रखी है दूसरा ब्लॉक है फोर एम का ठीक है वो स्टेशनरी है तो यानी कि u1 वन इज इक्वल टू वी और u2 टू इज इक्वल टू जीरो लाइटर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन इसका मतलब यह हुआ कि जब इस कोलिजन हो गया तो m वाला रेस्ट पर आ गया यानी कि v1 इज इक्वल टू जीरो और दूसरा जो 4m मास है वो मोशन में होगा उसकी स्पीड मान लेते हैं v2 टू क्लियर तो अब इस केस में सबसे पहले तो मुझे v2 निकालना पड़ेगा भाई तो मुझे कॉफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन चाहिए कॉफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मुझे पता है e इक्वल टू क्या होता है v2 टू माइनस वी अपॉन यू वन माइनस यू टू v2 यू वन मेरे को पता है v है u2 मुझे पता है जीरो है v1 भी मुझे पता है जीरो है लेकिन v2 तो पता चले तभी तो निकलेगा अब v2 पता करने के लिए क्या करें हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देते हैं क्योंकि एक्सटर्नल कोई फोर्स तो लग नहीं रहा एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो टोटल सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम और सिस्टम का फाइनल मोमेंटम बराबर रहेगा तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ठीक है मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देते हैं इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा एम इंटू वी प्लस जीरो क्योंकि इसका मोमेंटम तो जीरो है इक्वल टू जीरो प्लस फोर एम इंटू वी टू तो इससे वी टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी एम से एम कट गया यानी वी बाई फोर अब मुझे वी टू भी पता चल गया तो इसमें वैल्यू डाल देते हैं वी बाई फोर ये वी टू की वैल्यू होगी माइनस वी वन इसकी स्पीड जीरो हो गई डिवाइडेड बाई यू वन दैट इज वी माइनस जीरो तो यह आ जाएगा v बाई फोर माइनस जीरो यानी v बाई फोर अपॉन v यानी वन बाई फोर वन बाई फोर को सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा जीरो पॉइंट टू फाइव तो कॉफिशेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हो गया जीरो पॉइंट टू फाइव क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन है टू आइडेंटिकल बॉल्स ए एंड बी हैविंग वेलोसिटी 0.5 एंड माइनस -0.3 ठीक है तो ये एक बॉल ले लेते ले हैं ए और दूसरी बॉल है बी ए जो है वो 0.5 मीटर पर सेकंड से इधर की तरफ जा रही है राइटवर्ड right डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव ले रहे हैं 0. -0.3 मतलब कि जो बी वाली बॉल है वो इधर की तरफ आ रही है 0.3 मीटर पर सेकंड से इसलिए माइनस लिया कोलाइड इलास्टिकली ठीक है अब ध्यान देना इसने बोला है आइडेंटिकल बॉल और इलास्टिक कोलिजन ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है आइडेंटिकल बॉल है और इलास्टिक कोलिजन है ठीक है तो उस केस में अगर मैं बात करूं तो अपन ने पढ़ा था कि अगर आइडेंटिकल बॉल है यानी दोनों का मास बराबर है और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए वाली बॉडी है वो B की वेलोसिटी ले लेगी आफ्टर कोलिजन, यानी B की वेलोसिटी यानी इधर की तरफ 0.3 मीटर पर सेकंड से चलने लग जाएगी और जो B वाली बॉल है वो A की वेलोसिटी ले लेगी वेलोसिटी बोला है, स्पीड नहीं तो डायरेक्शन के साथ आएगी यानी 0.5 मीटर पर सेकंड। आपसे पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ बी एंड ए अब देखो इसमें क्या है उन्होंने पहले बी की वेलोसिटी पूछी ठीक है थीके? फिर ए की पूछी है ठीक है अगर आप गलती से ए और बी लिख दोगे तो वो ऑप्शन भी प्रेजेंट है इसके अंदर ठीक है तो वहां गड़बड़ हो जाएगी ठीक है हमें पहले बी की लिखनी है ठीक है तो बी की स्पीड 0.5 और राइट right डायरेक्शन में यानी प्लस आएगा और ए की स्पीड लेफ्ट साइड में यानी माइनस जीरो तो जीरो एंड माइनस ये आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलेट ऑफ 10 जी 10 ग्राम मूविंग होरिजोटली विदोसिटी वेलोसिटी 400 मीटर स्ट्राइक्स अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 2 के जी विच इज सस्पेंडेड बाय लाइट एंड एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 5 मीटर यानी मैं यहां पर एक लाइट स्ट्रिंग से एक ब्लॉक को लटका देते हैं इसकी तरफ एक बुलेट आई इस बुलेट का मास है टेन ग्राम यानी हो जाएगा टेन बाई थाउजेंड के जी में तो यानी एम की वैल्यू हो जाएगी कितनी जीरो पॉइंट जीरो वन के जी ये फोर हंड्रेड मीटर पर सेकेंड से जा रही है इनएक्सटेजेबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ फाइव मीटर ये फाइव मीटर दे रखा है एज ए रिजल्ट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ब्लॉक इज फाउंड टू राइज द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ टेन सेंटीमीटर ठीक है ये जो जब इससे टकराई तो उस केस में ये जो ब्लॉक है वो कुछ हाइट तक राइज कर सक कर गया एज ए रिजल्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटेट वर्क फाउंड टू राइज अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ टेन सेंटीमीटर यानी ये टेन सेंटीमीटर तक राइज करा है यानी जीरो पॉइंट वन मीटर ठीक है द स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर इट एमर्ज आउट हो फ्रॉम द ब्लॉक ठीक है तो जब ये यहां से जस्ट अगर मैं बात करूं जस्ट कोलिजन के बाद की ठीक है तो इसको अपन सेकेंड केस इसका बनाते हैं तो जस्ट आफ्टर कोलिजन यानी कोलिजन हुआ उसके बाद अभी तो ये रेस्ट पर था ठीक है इसकी स्पीड को मैं यू वन बोल देता हूं इसकी स्पीड को यू टू तो वो जीरो पे था और जस्ट आफ्टर कोलिजन मान लो इसकी स्पीड हो जाती है वी वन वी टू सॉरी और जो बुलेट है वो निकलती है v1 स्पीड से ठीक है जो बुलेट को मैंने वन बोला था तो इनिशियल 400 से जा रही है और बाद में v1 स्पीड से निकल रही है तो अगर मैं सोचूं तो इन्होंने जो ये दिया है कि 0.1 मीटर हाइट तक ये उड़ जाता है तो इससे मुझे एक्चुअली में इस v2 की वैल्यू फाइंड आउट करने में हेल्प मिलेगी क्योंकि जब भी किसी चीज के पास हाफ एम वी स्क्वायर एनर्जी है ठीक है तो वो एनर्जी की वजह से जब वो ऊपर उठ रहा है यानी काइनेटिक एनर्जी लेके जब वो ऊपर उठ रहा है तो वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी यानी कि एम एम स्क्वायर इक्वल इक्वल टू टू जी एच यानी कितना हो जाएगा रूट टू जी एच तो सबसे पहले मैं वी टू इस इंफॉर्मेशन से फाइंड आउट कर सकता हूं वी टू इक्वल टू रूट टू जी एच यानी टू इन टू टेन इन एच जीरो पॉइंट वन होल अंडर तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास रूट टू यानी कि यहां पर जब ये निकला ठीक है बुलेट बाहर निकल गई तब एक्चुअली इसकी स्पीड कितनी थी जीरो रूट टू मीटर पर सेकेंड रूट टू मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड थी क्लियर अच्छा अब अगर मैं देखूं तो मैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाता हूं ठीक है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन तो जस्ट बिफोर कोलिजन इसका मोमेंटम था एम इन यू ठीक है बुलेट का मास कितना था टेन ग्राम यानी जीरो पॉइंट जीरो वन के जी इसकी स्पीड इस स्पीड थी फोर हंड्रेड प्लस इसका मोमेंटम कितना था जीरो क्योंकि रेस्पर था इक्वल टू जस्ट आफ्टर ये वाली स्टेट है उसके जाएगा ये मुझे तो में लगाना है, बाद जाएगा तो नहीं सकता क्योंकि बाद में मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लग पाएगा पर जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कोलिशन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊ तो हाफ एम इंटू इसका बुलेट का जीरो पॉइंट जीरो मल्टीप्लाइड बाय इसकी स्पीड वी वन स्क्वायर सॉरी मोमेंटम निकालना है अपन को तो इसका मोमेंटम हो जाएगा एम इन टू वी एम कितना था जीरो पॉइंट जीरो वन मल्टीप्लाइड बाय स्पीड को मैं वी वन बोल रहा हूं प्लस इसका मोमेंटम ब्लॉक का ठीक है ब्लॉक जो है वो उसका मास कितना दे रखा है टू के जी तो टू मल्टीप्लाइड बाय इसकी स्पीड ब्लॉक की स्पीड वी टू हो गई फाइनल वाली जो कि हमने रूट टू निकाली थी अब उससे मुझे वी वन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फोर हंड्रेड इंटू जीरो पॉइंट जीरो वन ये फोर बच जाएगा इधर की तरफ टू इंटू रूट टू ठीक है यह जाएगा वी वन बाय पॉइंट जीरो वन को सॉल्व करेंगे हंड्रेड प्लस टू रूट टू रूट टू की वैल्यू मैं वन पॉइंट फोर के आसपास ले लेता हूं वन पॉइंट यानी टू इससे मैं वी वन की वैल्यू निकाल सकता हूं फोर माइनस टू पॉइंट एट यानी कितना हो जाएगा ये वन पॉइंट टू और वन पॉइंट टू हंड्रेड ठीक है यानी ये आ जाएगा वन ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड यानी हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्लियर हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ये वॉल है इस पे एक बॉल आके गिरी ठीक है सिक्सटी डिग्री विद ओरिजॉन्टल एंगल बन रहा है गेट्स रिफ्लेक्टेड विदाउट लॉस ऑफ स्पीड ठीक है यानी स्पीड दोनों केस में इसमें से आई थी और से ही गई है द वैल्यू ऑफ इंपल्स इम्पार्टेड बाय द वॉल ऑन द बॉल ठीक है अब इंपल्स इम्पार्टेड की बात चल रही है तो अगर हम इस केस में इस एम वी इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा एम एंड टू वी अच्छा इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम ठीक है इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम तो अगर मैं इसके मोमेंटम की बात करूं तो इसके मोमेंटम के दो कंपोनेंट हो जाएंगे एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में क्लियर है इस डायरेक्शन में कंपोनेंट जो होगा एंगल जिधर बनता है वो कोस कंपोनेंट आता है यानी एम वी कोस सिक्सटी और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा एम वी साइन सिक्सटी इसी तरह से इसकी बात करें जब ये आफ्टर कोलिजन इधर जा रहा है तो इसका भी दो कंपोनेंट कर देते हैं एक इस डायरेक्शन में MV cos 60 और एक इस डायरेक्शन में mv साइन सिक्सटी तो ध्यान से देखें अगर मैं इसको एक्स डायरेक्शन बोल रहा हूं और इसको वाई डायरेक्शन बोल रहा हूं तो y डायरेक्शन में कोई मोमेंटम में चेंज नहीं हो रहा यानी mv साइन 60 से आ रहा था और आफ्टर कोलिजन भी mv साइन 60 से जा रहा है इसका मतलब y डायरेक्शन में मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आ रहा है यानी चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा जीरो यानी डेल्टा पी यानी चेंज इन मोमेंटम इन y डायरेक्शन इज जीरो और अगर मैं x डायरेक्शन की बात करूं डेल्टा p इन x डायरेक्शन हो तो जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटा ये है ठीक है यानी माइनस का एम वी कॉस सिक्सटी आई कैप माइनस आई कैप डायरेक्शन आएगी ले रहा हूं माइनस इनिशियल मोमेंटम इसी की साइड में आ रहा है तो एम वी कॉस सिक्सटी और आई कैप दोनों माइनस है तो ऐड हो जाएंगे यानी कि एम वी माइनस का टू एम वी कोस सिक्सटीप कोई टू तो वन बाई टू से ये टू कट गया यानी कि कितना आ गया अपने पास माइनस एम वी आई कैप क्लियर तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना आया चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन प्लस चेंज इन मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन डायरेक्शन में तो जीरो चेंज आ रहा है तो यानी कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इन डायरेक्शन दैट इज माइनस एम वी आई क्या अपने को निकालना था इंपल्स इंपल्स इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम ये नहीं हो जाएगा माइनस का एम वी आई कै ठीक है मुझे इसका मैग्नीट्यूड लिखना था तो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हो जाएगा एम वी तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन है टू स्पेरिकल बॉडीज ऑफ मास टू आर रिलीज इन फ्री स्पेस विद इनिशियल सेपरेशन बिटवीन द इक्वल टू टू एल आर ठीक है तो एक एम मास की बॉडी है रेडियस कितनी है आर और एक फाइव एम मास की बॉडी है और रेडियस कितनी है टू आर इनिशियल सेपरेशन बिटवीन देअ सेंटर इक्वल टू ट्वेल्व आर यानी इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको ट्वेल्व आर दे रखी है इफ दे अट्रैक्ट इच अदर ठीक है ये दोनों ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से अट्रैक्ट हो रहे हैं मान लो देन डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्मॉलर बॉडी आफ्टर कोलिजन ठीक है uh, तो अगर मैं जस्ट बिफोर कोलिजन की बात हो रही है यानी कि ये भी पास आया ये भी पास आया दोनों ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से एक दूसरे के पास आएंगे ठीक है मान लो ये एक्स वन डिस्टेंस ट्रेवल करता है और ये एक्स टू डिस्टेंस ट्रेवल करता है और उसके बाद ये दोनों कोलाइड होते हैं तो अगर मान लो ये x1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो ध्यान से सोचें अपन तो जब ये कोलाइड करेंगे तो अभी इनके इस सरफेस और इस सरफेस के बीच की जो दूरी होगी यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी तो ये आर है ये टू आर है और टोटल ट्वेल्व आर है तो ट्वेल्व आर में से ये आर गया और टू आर गया थ्री आर गया तो बचेगा ना इसका मतलब एक्चुअली में जो x1 वन प्लस एक्स है यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट ने टोटल डिस्टेंस बिफोर कोलिजन नाइन आर ट्रेवल किया है यानी हमें एक इक्वेशन तो मिल रही है x1 वन प्लस एक्स टू इक्वल टू नाइन आर क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो टोटल नाइन आर ही कम हुई अच्छा अब अगर मैं बात करूं कि भाई ये x1 चल रहा है x2 चल रहा है तो ए, दोनों के बीच की डिस्टेंस तो नाइन आर हो गई एक्स वन और एक्स टू कितना होगा ये अपन को निकालना है ठीक है तो अगर मैं सोचू तो जा, अपन जानते हैं कि अगर इस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो हम लिख सकते हैं एम वन एक्स वन इक्वल टू एम टू एक्स टू या यूं कह सकते हैं एम वन एक्स इसका सेंटर ऑफ मास मूव करेगा ही नहीं तो यानी एक्स एम इक्वल टू होगा एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू अपॉन एम वन प्लस एम टू और ये जीरो होगा क्योंकि सेंट्रो मास मूव एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो यानी मैं कह सकता कि वन वन एक्स इज़ इक्वल टू माइनस का एम टू एक्स टू एम वन एक्स वन हो जाएगा एम एन टू ये डिस्टेंस एक्स वन ट्रेवल कर रहा है इक्वल टू माइनस का एम टू यानी फाइव एम एम टू डिस्टेंस एक्स टू तो अगर मैं इससे

यूज इन इक्वेशन वन तो ये हो जाएगा एक्स वन प्लस फाइव एक्स टू तो एक्स वन की जगह मैं रख देता हूं फाइव एक्स टू सॉरी यहां पर रख रहे हैं एक्स वन की जगह फाइव एक्स टू प्लस एक्स टू इक्वल टू नाइन आर इससे मैं एक्स टू की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा सिक्स एक्स टू इक्वल टू नाइन आर या नहीं हो जाएगा थ्री आर बाई टू एक्स टू की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं अपन इक्वेशन टू में तो एक्स वन इज इक्वल टू हो जाएगा फाइव मल्टीप्लाइड बाई थ्री आर बाई टू नहीं हो जाएगा फिफ्टीन आर बाई टू सेवन पॉइंट फाइव आर सेवन पॉइंट फाइव आर यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन टू पार्टिकल ऑफ मासेस एम वन एम टू मूव विद इनिशियल स्पीड यू वन एंड यू टू ऑन कोलिजन वन ऑफ द पार्टिकल गेट एक्साइटेड टू हायर लेवल After absorbing energy E, if final energy, final velocities of particle is v1 and v2, then we must have. तो ये actually theoretical question है, ठीक है? इसमें उन्होंने clear clear दे रखा कि मैं एक particle m1 जो u1 speed से जा रहा था, m2 जो है वो u2 speed से जा रहा था. On collision one particle जो है, यानी m1 ही मान लेते हैं. वी v1 स्पीड से जा रहा था उसने कुछ एनर्जी अब्जॉर्ब भी की है एनर्जी उसने की है वन e एनर्जी की है और दूसरा पार्टिकल जो है वो v2 से जा रहा है आफ्टर कोलिजन तो अगर हम देखें तो इसकी एनर्जी कितनी half M1 U1 square, plus half M2 square, हो जाएगी हाफ एम वन यू वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू यू टू स्क्वायर ठीक है टोटल एनर्जी इसकी होगी और इसकी फाइनल एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर या प्लस इसकी इसने कुछ एनर्जी ऑब्जॉर्व भी की है ई e. तो यानी मैं लिख सकता हूं हाफ एम वन यू वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू यू टू स्क्वायर इक्वल टू कुछ एनर्जी ऑब्जॉर्व हुई इसमें ई लिख देता हूं प्लस ई सॉरी प्लस इसकी एनर्जी हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर ये इधर की तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो यानी हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया हाफ एम वन वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू स्क्वायर प्लस ई इधर आके माइनस ई हो गया इक्वल टू इधर बचा हाफ एम वन वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू स्क्वायर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉडी ऑफ मास फोर एम इज लाइंग इन एक्स वाई प्लेन एट रेस्ट इट सडनली एक्सप्लोर्स इन टू थ्री पीसेस टू पीस इच ऑफ मास मूव पर पेंडिकुलर टू इच अदर विद इक्वल स्पीड भी टोटल हाइनेटिक एनर्जी जनरेटेड ड्यू टू एक्सप्लोजन तो अगर मैं इस केस में सपोज करता हूँ कि जो फोर एम मास की बॉडी थी वो ओरिजन पर रखी थी उसी को मैंने ओरिजन मान लिया जहाँ भी वो रखी थी एक्स वाइव प्लेन में रेस्ट पर है यानी इसकी इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा इसका जीरो क्योंकि इनिशियल स्पीड जीरो है इट सडनली एक्सप्लोर्स इन टू थ्री पीसेस टू पीसेस ऑफ परपेंडिकुलर तो मैं मान लेता हूँ कि एम मास है वो इधर वी से जा रहा है और एम मास जो है वो इधर v से जा रहा है इन दोनों का मोमेंटम कितना आएगा इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आएगा यानी जो बचा हुआ मास है फोर एम में से ये दोनों गए तो टोटल कितना बचा टू एम तो वो जो टू एम मास है वो मान लो वी डैश स्पीड से इधर की तरफ जा रहा है कहीं भी हो सकता है ठीक है उसे वेक्टर फॉर्म में ले लेंगे तो अब इस केस में अगर मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊं तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अपन अप्लाई कर रहे हैं इक्वल टू इसका मोमेंटम हो जाएगा एम वी आई कैप प्लस इसका मोमेंटम हो जाएगा एम वी जे कैप और प्लस इसका मोमेंटम मुझे पता नहीं है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी तो मैं लिख दूंगा टू एम वी इंटू बी डाइट वेक्टर ये वैल्यू तो जीरो हो जाएगी ये इधर जाएगा एम एम कोमा आ जाएगा और कट जाएगा तो वी डैश इज इक्वल टू कितना वी बाई टू माइनस का आई कैप ये इधर जाएगा माइनस माइनस का वी बाई टू जी कैप क्लियर मुझे एनर्जी निकालनी है एनर्जी निकालनी है मतलब मुझे केवल इसकी स्पीड से मतलब है तो वी डैश का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं वो जाएगा v बाई टू का स्क्वायर प्लस वी बाई टू का स्क्वायर का होल माइनस का स्क्वायर प्लस हो ही जाएगा रूट टू टू वी बाई टू यानी वी बाई रूट टू तो v बाई रूट टू विदेश की वैल्यू होगी आपसे बोला है टोटल एनर्जी जनरेटेड टोटल एनर्जी इन तीनों के पास होगी तो टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं जनरेटेड हाफ एम वी स्क्वायर प्लस इसकी भी एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एन टू इसका मास हो जाएगा टू एम इन टू वी डैश का स्क्वायर वी डैश का स्क्वायर यानी वी बाय रूट टू का स्क्वायर तो ये हाफ एम वी स्क्वायर और हाफ एम वी स्क्वायर तो एम वी स्क्वायर हो जाएंगे प्लस इस टू से ये टू घट गया यानी एम वी स्क्वायर बाय टू वन प्लस वन बाई टू यानी थ्री बाय टू तो थ्री बाई टू एम वी स्क्वायर थ्री बाई टू एम वी स्क्वायर सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एन एक्सप्लोजन ब्रेक्स अ अन टू थ्री पार्ट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन टू ऑफ गो ऑफ एट राइट एंगल टू ईच अदर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मास वन के जी विद स्पीड ट्वेल्व मीटर पर सेकेंड सेकंड पार्ट टू के जी का एट मीटर पर सेकंड से जा रहा है थर्ड पार्ट जो फ्लाइज ऑफ है फोर मीटर पर सेकेंड से पर उसका मास आपको निकालना है ठीक है तो ये सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन है है लेकिन उसमें था, इसके अंदर मास ठीक है ठीके? और डायरेक्शन हमें पता नहीं है तीसरे वाले मास की ठीक तो हम वही डायग्राम बनाते हैं एक एक्सप्लोजन है रॉक का तीन पार्ट्स में ठीक है टू ऑफ देम गो टू राइट एंगल टूर फर्स्ट पार्ट ऑफ मास वन के जी सेकेंड पार्ट है टू के जी का ठीक है तो अगर मैं यहां पर बनाऊं तो वन के का एक पार्ट है वो जा रहा है ट्वेल्व मीटर पर सेकेंड से ठीक है और सेकेंड जो है वो राइट एंगल पे जा रहे हैं तो इधर की तरफ ले लेते हैं ऊपर की तरफ जा रहा है एट मीटर पर सेकेंड से अब वो जैसे इन, इसका मोमेंटम इधर आएगा इसका मोमेंटम इधर आएगा तो रिजल्टेंट इनके बीच में कहीं आएगा तो तीसरा पार्ट ठीक है जो एम के जी का ले लेते हैं अपन मुझे नहीं पता कितने मास का है वो ही तो निकालना है ठीक है और वो फोर मीटर पर सेकेंड से जा रहा है किधर ठीक है तो हमें एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अब अगेन ध्यान से देखे तो जब ये एक्सप्लोजन हो रहा है तो बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा यानी मोमेंटम गजर रहेगा तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा जीरो क्योंकि पूरा का पूरा मास यहीं पर रेस्ट पर था ठीक है तो जीरो इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहा हूं इसका मोमेंटम हो जाएगा वन इंटू त्वेल्व, त्वेल्व, आई इसका मोमेंटम हो जाएगा टू इंटू एट जे कैप प्लस इसका मोमेंटम मुझे नहीं पता ठीक है तो मैं इसको पी एम बोल देता हूं वेक्टर तो इससे मैं पीएम की वैल्यू निकाल लेता हूं तो जाएगा माइनस ट्वेल्व आई कैप माइनस का सिक्सटीन जे कैप क्लियर अच्छा अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड मैग्निट्यूड बताए फोर के बराबर है तो मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल के और उसकी वैल्यू एम इंटू फोर के बराबर रख देता हूं तो इसका मोमेंटम यानी पी एम का मैग्नीट्यूड मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं अपन देखिए वो कितना हो जाएगा एम मल्टीप्लाइड बाई फोर इज इक्वल टू और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा माइनस ट्वेल्व का स्क्वायर प्लस माइनस सिक्सटीन का स्क्वायर होल अंडर रूट ये हो जाएगा वन फोर्टी फोर ये हो जाएगा टू फिफ्टी सिक्स ठीक है एड करोगे तो फोर हंड्रेड आएगा यानी अंडर रूट लोगे तो ट्वेंटी तो मैं एम ए मल्टीप्लाइड बाई फोर इज इक्वल टू यानी एम इज इक्वल टू हो जाएगा फाइव के जी एम इज इक्वल टू फाइव के जी यानी कि फर्स्ट आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थ्री मासेज आर प्लेस ऑन द एक्स एक्सिस थ्री हंड्रेड ग्राम एट ओरिजन ठीक है एक एक्स एक्सिस पे ही तीन मास रखे हुए एक तो ओरिजिन पर ही रखा हुआ है थ्री हंड्रेड ग्राम का दूसरा जो है वो x इक्वल टू फोर्टी सेंटीमीटर पर रखा हुआ है और तीसरा सेवेंटी सेंटीमीटर पर रखा हुआ है ये है फाइव हंड्रेड ग्राम फोर्टी सेंटीमीटर पर और x इक्वल टू सेवेंटी सेंटीमीटर पर फोर हंड्रेड ग्राम डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम दिजन तो सिंपल है बहुत इसके क्वेश्चन वो लिख देते हैं पहले कोऑर्डिनेट इसके कोऑर्डिनेट तो जीरो जीरोना है आपको एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री होल अपॉन टोटल मास एम वन एक्स वन कितना हो जाएगा थ्री हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई जीरो प्लस एम टू एक्स टू यानी फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय एक्स कितना है फोर्टी सेंटीमीटर प्लस एम थ्री एक्स थ्री यानी कि फोर हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय सेवेंटी सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय टोटल मास यानी थ्री हंड्रेड प्लस फाइव हंड्रेड प्लस फोर हंड्रेड आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो वैसे ठीक है ये तो जीरो हो ही जाएगा अब इन दोनों में से हंड्रेड कॉमन ले लो तो ये दो जीरो जो है वो हंड्रेड कोमन आके शहीद हो जाएगा तो ऊपर भेजेगा फाइव फोर जा ट्वेंटी टू हंड्रेड प्लस ये हो जाएगा टू एटी डिवाइडेड बाय नीचे होगा फोर और थ्री सेवन और सेवन एंड फाइव कितना हो जाएगा ट्वेल्व टू एटी प्लस टू हंड्रेड यानी फोर एटी डिवाइडेड बाय 12, ठीक है तो ये कितना आ जाएगा आपका 4 0 सेंटीमीटर यानी फर्स्ट ऑप्शन क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं टू ए एंड बी ऑफ मासेज एम वन एम टू रेस्पेक्टिवली इज एट रेस्ट इनिशियली एंड बी इज मूविंग वेलोसिटी वी अलोंग एक्सेस ठीक है ए रेस्ट पर है और बी जो है वो V वेलोसिटी से उससे आके टकरा रहा है यानी B पहले रखा हुआ है ठीक है B का मास आपको दे रखा है कितना m2 और B की इनिशियल वेलोसिटी v दे रखी है A रेस्ट पर है ठीक है इसका मास m2 m1 है अब ये बोल रहा है आफ्टर कोलिजन बी हैजेलोसिटी वी बाई टू जो बी वाली बॉडी है वो वी बाई टू से जा रही है इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ओरिजन डायरेक्शन इस ओरिजिनल डायरेक्शन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वी बाई टू से ठीक है द तो मास ए आफ्टर कोलिजन इन डायरेक्शन यानी ए किधर जाएगा वो आपको निकालना है ठीक है ये मास है एम टू और ये है एम वन ए की वेलोसिटी मुझे नहीं पता ठीक है तो मैं मान लेता हूं वेक्टर ठीक इस केस में अगर मैं बात करूं मोमेंटम कंजर्वेशन की तो यहां पर ध्यान से देखें तो ये जो है वो डोन कोलिजन नहीं हो रहा है ठीक है क्योंकि इसमें एक्स डायरेक्शन में कोलिजन हुआ लेकिन बाद में वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में भी आई है तो उस केस में हम क्या करेंगे एक्स और वाई डायरेक्शन में दोनों डायरेक्शन के अंदर अलग अलग मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तो अगर मैं एक्स डायरेक्शन में बात करूं मोमेंटम कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन इन एक्स डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में अगर मैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाता हूं तो ये हो जाएगा आपका एम टू एन टू इसकी स्पीड कितनी थी प्लस इसकी मोमेंटम जीरो क्योंकि वेलोसिटी जीरो है इक्वल टू एक्स डायरेक्शन में इसका मोमेंटम जीरो है क्योंकि एक्स डायरेक्शन में इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है तो परपेंडिकुलर वाई डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका मोमेंटम इनिशियल जीरो हो जाएगा प्लस इसका मोमेंटम कितना आ जाएगा एम वन इंटू वी तो इससे हम अगर बात करें तो वी ए है तो va के भी दो कंपोनेंट हम हमें लेने पड़ेंगे ठीक है क्योंकि va तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है तो वी ए के हम इधर की तरफ ले लेते हैं ये हो जाएगा va का एक्स कंपोनेंट और सपोज va का वाई कंपोनेंट में इधर ले लेता हूं तो ये अपने पास आ जाएगा एम वन इंटू वी एक्स इससे अगर मैं वी एक्स की वैल्यू निकालू यानी एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए वो हो जाएगा एम टू बाई एम वन मल्टीप्लाइड बाई वी ये हो गया एक्स डायरेक्शन से अब मैं वाई डायरेक्शन की बात करता हूं तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन इन वाई डायरेक्शन ई डायरेक्शन में इसका मोमेंटम जीरो है इसका भी जीरो है यानी जीरो प्लस जीरो इक्वल टू इसका हो जाएगा एम टू इंटू वी बाई टू और इसका हो जाएगा प्लस का एम वन इंटू वी वाई ठीक है या वी ए वाई बोल देते हैं इसको अगर मैं इससे वी ए वाई की वैल्यू निकालूं तो वो कितनी आ जाएगी तो ये आ जाएगी एम टू बाय वन माइनस का एन टू वी बाय टू ये वी ए वाई की वैल्यू आई ठीक है माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि अगर v वाई टू इधर की तरफ है तो एक्चुअली में वी ए वाई नीचे की तरफ और ऑब्वियसली बातें ऐसा होना भी चाहिए कि अगर इनिशियल मोमेंटम y में जीरो है एक का मोमेंटम ऊपर की तरफ है तो दूसरा वाला नेगेटिव डायरेक्शन में आना भी चाहिए तभी तो नेट जीरो हो पाएगा ठीक तो वी ए वाई की वैल्यू ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ गई ठीक है मैंने कुछ भी माना नहीं कि भाई ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो अब मुझे वी ए वाई और वी ए एक्स निकल गया मुझे निकालना क्या था ठीक है मास ए मूव्स आफ्टर कोलिजन इन द डायरेक्शन ठीक है तो एक्स एक्सिस के साथ इसकी कुछ डायरेक्शन अपन थीटा मान लेते हैं तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा वी ए वाई डिवाइडेड बाई वी एक्स अब अगर मैं वी ए बाई अपॉन वी एक्स करूंगा ठीक है तो मेरे पास एम बाई टू एम टू बाई एम वन इंटू वी तो कट जाएगा यानी माइनस का वन बाई टू बच जाएगा तो मुझे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स माइनस वन बाय टू इन एक्स टू ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन आते रेस्पेक्टिवली आर एट द अपोजिट एंड ऑफ अ बोट ठीक है तो सपोज करो मैंने यहां पर एक बोट बनाई एक पर्सन है फिफ्टी फाइव के जी का और दूसरा पर्सन है 65 फाइव के जी का ऑफ द बोट इज थ्री मीटर एंड वेट ऑफ द हंड्रेड के जी बोट का जो वेट है वो हंड्रेड के जी है द फिफ्टी फाइव के जी मैन वॉक्स अप टू सिक्सटी फाइव के जी मैन एंड सिट्स विद हिम इफ द बोट इज इन स्टिल वॉटर ठीक है ये इधर की तरफ जा रहा है थीके? और है फाइव के जी से मिलता है इफ इज इन स्टिल वॉटर सेंटर ऑफ मास का पोजिशन होगा ये करने है। अब of of में तीनों आ है। 55 फाइव के जी और 100 के यानी ये पूरा सिस्टम है अब इस पूरे सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगी नहीं रहा ठीक है एफ एक्सटर्नल इक्वल टू Zero. अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा जीरो और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल रिमेन कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब जितनी पहले वेलोसिटी थी सेंटर ऑफ मास की उतनी ही बाद में रहेगी और पहले तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है क्योंकि ये इनिशियली तो सिस्टम रेस्ट पर है तो अगर इनिशियल सिस्टम रेस्ट पर है तो ये बीसीएम की वैल्यू इनिशियल जीरो है तो फाइनल भी जीरो होगी और अगर वेलोसिटी जीरो है तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास मूव ही नहीं किया और अगर सेंटर ऑफ मास मूव ही नहीं किया मुझे बोला है बॉट इज इन स्टिल वाटर सेंटर ऑफ मास ऑफ द शिफ्ट यानी कितना सेंटर ऑफ मास मूव किया यही पूछा है तो उसने तो मूव ही नहीं किया यानी कि जीरो मूवमेंट हुआ है सेंटर ऑफ मास के अंदर तो थर्ड आंसर हो जाएगा क्लियर तो आज के लिए इतना रखते हैं ठीक है थैंक यू सो मच